लोग कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। ये है कूलिंग फैंस, देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये चार पीस है। ये है स्टेनलेस स्टील नेट, सो इसको मैं 100 रुपए में लाया था मार्केट से, और आप चाहें तो इसका जुगाड़ भी कर सकते हैं। और गाइस, कूलर के जो साइड में लगता है घास टाइप का जो भी होता है, सो ये है, जब मैं मार्केट जा रहा था तभी मुझे ये रोड के साइड में गिरा हुआ मिला, सो ये मैं उठा लिया वहां से और इसका यूज करके मैं कूलर बनाऊंगा। हमारे लैंग्वेज में इसको खस बोलते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। और गाइज, ये है छोटा सा एक वाटर पंप, और ये है एक स्पीड कंट्रोलर, सो इसको यूज करके हम पंखे का स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये है भाई वाटर प्रूफ, जुगाड़ किया था, हमें इसका इतना ही चाहिए। तो हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक मैं कुरकुरे खाता हूँ, उसके बाद हम कूलर को बनाते हैं। कूलर का तो सारा सामान हमारे पास है, तो सबसे पहले हम इस कूलर का छोटा सा बॉडी बनाएंगे। बॉडी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एक वाटरप्रूफ कार्डबोर्ड, जो कि बहुत बड़ा है साइज में, देख लो। इसको मुझे कट करना पड़ेगा, इसको हम सन बोर्ड शीट भी बोलते हैं, कटर स्केच मार्कर निशान लगाने के लिए। तो गाइस, इसका बॉडी स्ट्रक्चर तो मैंने कट कर लिया है, देख सकते हैं, लेफ्ट, ये है राइट, फ्रंट। यहाँ पर हम चार फैन अटैच करेंगे, और ये है इसका बैक। ये जो नेट है इसको हमें इस शेप के हिसाब से कट करने होंगे, तो इसको कट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ये वाला टूल, जो कि खतरनाक, इसको खोलना पड़ेगा भाई, ये बहुत ज़्यादा टाइट है, खुल जा सिंह, बहुत तेज मुड़ा हुआ, इसको हमें सीधा करना पड़ेगा। A few moments later. तो जैसे तैसे मैंने इसको सीधा कर ही लिया, देख सकते हैं, और इसको सीधा करने में मुझे बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ा। तो इसको अब हम देखते हैं कट करके। ओ भाई, तो इसको कट करते करते मेरे हाथ में पूरे लाल पड़ गए, और ये बहुत टाइम में कट हुआ, मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, ताकत लगा, और एनर्जी कम हो रहा है, इसलिए मैं अभी एक केला खाऊंगा। एक, दो, तीन, चार, ये निकल जा, पांच, और ये छह। नहीं, हम इसका यूज करेंगे इसको स्टिक करने के लिए। तो ये है खस, और ऐसा एक हनीकॉम भी आता है, उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन फैंस को कुछ इस तरह से यहाँ पर स्टिक किया हुआ है इस बोर्ड में, सनबोर्ड शीट्स में। और अब यहाँ पर हमें क्या करना है पता है? इन चारों फैंस के वायर को हमें एक साथ कनेक्ट करना होगा, रेड वायर को रेड में, ब्लैक वायर को ब्लैक में। उसके बाद वाटर पंप, इस वाटर पंप को, स्पीड कंट्रोलर को, एंड यहाँ पर फैन को ऑन ऑफ करने के लिए इन सबको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको वीडियो में जल्दी से फास्ट दिखाता हूँ। और अभी तो हमने इसका वाटर रखने का भी नहीं बनाया है, सो उसको भी बनाना बचा है। तो चलिए मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ बनाकर, उसके बाद हम इसका वर्किंग टेस्ट करेंगे। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। हा हा हा।
गाइस हमारा कूलर तो बन गया है देख सकते हैं, और इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आगे में ये चार फैन है, ये इधर वाटर पंप, इधर है वाटर पंप। सो अब बच गया है इसका वाटर के लिए, जिसमें हम वाटर को भरेंगे। तो बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा है, इसलिए मैं ये कूलर को बना रहा हूँ। सो इसको हम यहाँ से कट करेंगे इस साइड से, और इसमें सो 3 inches का मैं यहाँ पर मेज़र कर लूँगा। उसके बाद हम इसको कट करेंगे मशीन से। तो चलिए जल्दी से इसको ही बनाते हैं। और इसमें मैं ये ब्लैक कलर करूँगा, ब्लैक स्प्रे, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगा, मतलब कि बिल्कुल न्यू कूलर लगेगा। ब्लैक कलर हो गया, मैट ब्लैक किया है इसमें स्प्रे कलर। अभी बहुत है, इससे हम बहुत सारे कलर्स कर सकते हैं। ये देख लो बिल्कुल नया लग रहा है, चकाचक। तो अब क्या करना है, अब हमें कूलर को इसके अंदर डालना होगा। पहले हम इसमें पानी भरेंगे, उसके बाद हम कूलर को इसमें डालते हैं, फिर उसके बाद हम इसका वर्किंग टेस्ट करते हैं। तो देखते हैं भाई, पसीना बहुत आ रहा है। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है। सो इतना काफ़ी है। अब इसके अंदर मैं कूलर को रखूँगा। हमारा वाटर पंप अंदर गया और ये कूलर भी। और गाइस इस कूलर को हम सोलर प्लेट से भी चला सकते हैं। मैंने अपने घर के छत पर सोलर पैनल लगा हुआ है बड़ा सा, सो उसको मैं यूज़ करूँगा चलाने के लिए, ताकि मेरा बिजली बिल भी नहीं आएगा। तो अभी तो मेरे पास बैटरी है, क्योंकि शाम हो चुका है तो सोलर पैनल से नहीं चल पाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कूलर है ये बनकर कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इसको टेस्टिंग भी किया 2-3 घंटों तक, और ये इसका जो रिजल्ट है बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, ताकि इसका पानी जो है चारों तरफ तीनों तरफ जाए, इस साइड भी और इस साइड भी। सो अभी मैं इसको बिल्कुल अच्छे से टेस्टिंग करके देख लिया हूँ। और यहाँ पर इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया है, देख सकते हैं इसका वायर ये रहा अंदर, और ये अंदर सर्किट। हम वाटर पंप का स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसमें स्पीड कंट्रोलर इसलिए नहीं लगाया है, क्योंकि ये जो फैंस है, ये कूलिंग फैन है इस CPU का, सो इसको चलने के लिए हमें 12 वोल्ट चाहिए होता है। अगर 12 वोल्ट से कम होता है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ये चलता ही नहीं है, सीधा इसको 12 वोल्ट ही चाहिए होता है। और इसमें क्या है, जैसे मैं स्पीड कम करूँगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें स्पीड कंट्रोलर का यूज़ नहीं किया है। सो यहाँ पर मैंने ये डायरेक्ट स्विच बटन का यूज़ किया है, जिसको दबाने पर ये ऑन हो जाता है, है ना। तो हमारा कूलर जो है बिल्कुल रियल लग रहा है, अमेजिंग। देख लो भाई, बिल्कुल लुकिंग गुड, लुकिंग वेरी गुड। और ये है इसका वाटर बॉक्स, जिसमें मैंने पानी भर रखा है। ये देखो पीछे से ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, एंड साइड से ये। और हम चाहें तो इसको ओपन भी कर सकते हैं, चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सो यहाँ से ये स्लाइड होगा और ये ओपन हो गया। ये देखो यहाँ पर ये वाटर पंप का पाइप लगा हुआ है, अंदर में पानी है, ये वाटर पंप है, इधर सर्किट है। और ये जो फैंस है जो मैंने लगाया है, कूलिंग फैन, ये पीछे की तरफ हवा देता है, इसलिए मैंने इसको उल्टा लगाया है, ठीक है। तो कई लोग होते हैं जो कमेंट्स करते हैं कि भाई आपने पंखा उल्टा लगाया है, सो इसलिए मैंने इसको उल्टा लगाया है, ठीक है। और सेम ऐसे ही ड्रोन में भी होता है, ड्रोन मोटर में, सो उसमें भी मुझे उल्टा लगाना पड़ता है। तो कई लोग को लगता है कि मैं गलत लगाया हूँ, सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको मैंने अपनी वीडियो शूटिंग के लिए बनाया है, क्योंकि जब मैं वीडियो शूट करता हूँ तो ये सीलिंग फैन है, ये बहुत तेज चलते हैं और इसमें हवा भी बहुत आता है, जिसकी वजह से मैं अपना वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। और इसको बंद करता हूँ तो मुझे बहुत तेज़ गर्मी भी लगता है, इसलिए मैंने ये बनाया है। इसको ऑन करने पर इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आता है, ये बिल्कुल साइलेंट अपना चलता है, और मैं अपना वॉइस रिकॉर्ड अच्छे से कर सकता हूँ। अभी आपको अच्छे से सुनाई दे रहा होगा मेरा वॉइस। तो यहाँ पर मैं वाटर पंप को भी ऑन करता हूँ। ऑन करने के लिए इसको हमें टर्न करना होगा, ये यहाँ पर ये लाइट जल रही होगी, देखो
ऑन होने पर ये लाइट जलती है ये, और यहाँ पर जैसे ही मैं स्पीड ज़्यादा करता हूँ तो यहाँ पर पानी का लेवल भी बढ़ता है, पानी बिल्कुल अच्छे से जा रहा है सब तरफ, यहाँ भी यहाँ पर भी। सो इसको मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि पानी जो है बाहर आ रहा था स्पीड बढ़ाने पर, इसलिए मैंने दोनों साइड लगाया है। चलिए मैं और स्पीड बढ़ाता हूँ इसका। तो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा वाटर पंप का साउंड सुनाई दे रहा होगा, अभी कैमरा का माइक ही यूज़ कर रहा हूँ, कोई नहीं। तो चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गया, वाटर पंप को भी ऑन कर दिया। और यहाँ पर देखो कितना अच्छा हवा आ रहा है, बिल्कुल स्लोली स्लोली ठंडा ठंडा, जो कि बहुत अच्छा है मेरे लिए, सुकून मिल रहा है। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? मेरे इस छोटे से मेहनत के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। आपको ये पंखा कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना, और आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो लाने की। और यार इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर फॉलो भी जरूर करना, यहाँ पर मैं अच्छे अच्छे रील्स पोस्ट करते रहता हूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो पर, तब तक ले अरे यार शॉर्ट नहीं लॉन्ग वीडियो तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो पर, तब तक ले जय श्री राम, बाय।